दोस्तों, आप में से काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सैटेलाइट फाइंडर के हवाले से मैं कोई अच्छी एप्लीकेशन बताऊं जिसके थ्रू आप जो है बहुत इजीली अपने सैटेलाइट को फाइंड कर सकें। बहुत मजे की एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मुझे किस तरह से ये सैटेलाइट को फाइंड करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसके लिए आपके मोबाइल में कॉम्पस एप्लीकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इन दोनों एप्लीकेशन के लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपने कॉम्पस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने अपने मोबाइल में, अगर पहले से है तो फिर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये सैटेलाइट वाली जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करें। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करेंगे। आप इसका काम देखेंगे तो आप इसको इंस्टॉल किए बगैर नहीं रह सकते। यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वीडियो आप देख रहे होंगे यहां पे आपने टाइटल के ऊपर क्लिक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद नीचे आपको ऐप लिंक मिलेगा तो यहां पे इसके ऊपर क्लिक करके आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का सिंपल सा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कंपस वाली एप्लीकेशन पहले से मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इंस्टॉल करके छोड़ देना है, उसका काम अभी खत्म हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर लेगी जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहां पे सैटेलाइट फाइंडर के ऊपर आपने दोस्तों क्लिक कर देना है तो यहां पे आप देख सकते हैं आप जिस जिस जगह पे मौजूद होंगे यहां पे ये फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। आप देखें जहां पे मैं मौजूद हूं यहां पे ये बता रहा है कि कैसे जो है यहां पे आप सैटेलाइट फाइंड करें। और यहां पे ये देखें जो भी व्यू दे रहा है बिल्कुल एक्यूरेट व्यू दे रहा है। और यहां पे आप देख रहे हैं पार्क सेट है, ऊपर आ रहा है कि पार्क सेट को अगर आपने सेट करना है तो यहां पे कैसे करेंगे, इसमें आ चुका है 231 और यहां पे 38 जो है इसकी। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आप देखें यहां पे मैं कोई भी सेट दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे मैंने अगर कोई और सेट लगाना है यहां पे एक्स्ट्रा है तो यहां पे दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। इस तरीके से यहां पे कोई भी सेट मैं लगाना चाहूं तो मैं बहुत इजीली लगा सकता हूं। यहां पे जी सेट 17 अगर लगाना चाहते हैं तो यहां पे देखें इसकी बिल्कुल से अलग है। तो यहां पे जैसे ही आप इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि डिश के ऊपर अगर आप यहां पे इसको रख देते हैं तो जैसे जैसे आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे तो ये आपको बताता जाएगा। यहां पे देखें ये एरिया कैलकुलेटर भी है और इंक्लाइनोमीटर भी है, इसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कहां पे आपने इसको रखा है और आपका मोबाइल अप है डाउन है। यहां पे लेवल आप चेक कर सकते हैं इसका हर तरह से और बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अभी यहां पे आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है। बहुत परफेक्टली ये काम करती है, मैं इस पे सेट करके देख चुका हूं और बहुत मजे से ये सेट करती है, बहुत मजे से ये काम करती है। तो यहां पे इसको एक दफा इंस्टॉल करके जरूर चेक कीजिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है यहां पे हर किस्म की जो है सैटेलाइट को फाइंड करने के लिए। पहली वीडियो थी मेरी सैटेलाइट फाइंडर के हवाले से। अगर आपको ऐसी मजीद वीडियोस भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा और जो कि आपकी हेल्प करेंगी सैटेलाइट्स को फाइंड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।